हे गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी जा रहे हैं हॉस्पिटल। वाटर ब्रेक हो गया है लकी का, ऐसा लग रहा है। तो अभी सब जल्दी जल्दी में हॉस्पिटल जाने की तैयारी में है। सो उसके बाद देखते हैं डॉक्टर क्या बोलता है सिचुएशन को देख के। सुबह के आई थिंक 7 बजे होंगे, अभी 6:30 बजे करीब हम उठे थे, या 6:58। तो 10 मिनट का रास्ता यहाँ से हॉस्पिटल का, जाके देखते हैं। होप सब कुछ ठीक हो, अच्छे से हो। और जल्दी जल्दी में पानी डालिए बॉडी में, बिकॉज पता नहीं वहाँ कितना टाइम लगे। अभी तक लीवर पेन स्टार्ट नहीं हुई है लगती, बट वाटर ब्रेक हो गया है। तो देखते हैं कैसी क्या सिचुएशन होगी। तो निकलते हैं यार, मतलब एक्साइटमेंट भी है, डर भी है। I'm very excited और मतलब scared भी, कि फर्स्ट बेबी हो रहा है। अब सब कुछ अच्छे से जाए, सही से हो। चलो चलते हैं, मिलते हैं बाद में। हम हॉस्पिटल में पहुँचे अराउंड 7:30। लकी को एमरजेंसी में एडमिट करवा दिया था, और एडमिट करवाने के बाद जो भी नर्स और डॉक्टर वहाँ पे थे, उन्होंने लकी को चेक किया, और जो गायनो थे जिससे हम कंसल्ट करते थे, उनको कॉल करके सारी सिचुएशन के बारे में बता दिया। बिकॉज हमने ऑलरेडी गायनो से बात की हुई थी कि इट मेक पॉसिबल कि बेबी रात को हो या दिन में हो, तो उसी साइड की मैं आई विल बी अवेलेबल एट दैट टाइम। सारा चेकअप करने के बाद लकी को प्राइवेट रूम में ले जाया गया, जो कि हमने बुक किया हुआ था। और जो आप देख रहे हो अभी, हम 3rd फ्लोर पे हैं और हम उसी रूम में जा रहे हैं। यहाँ से थोड़ा आगे चल के लेफ्ट में जहाँ पे सोफा है, उसके लेफ्ट में वो रूम है। ये मेरी मम्मी खड़ी, और शायद अंदर कोई गया हुआ है चेक करने के लिए लकी को कि अभी सिचुएशन कैसी है। तो जैसे ही डॉक्टर वहाँ से चले गए, हम रूम के अंदर वापस गए। वहाँ पे लकी लेटी हुई है बेड पे, और अभी थोड़ी देर में तो यहाँ पे ग्लूकोज लगा दिया जाएगा, और उसमें शायद इंजेक्शन वगैरह लगा देंगे पेन इंड्यूस करने के लिए कि पेन स्टार्ट हो जाए। यहाँ पे हमें एक सोफ़ा और एक सिंगल बेड टाइप का मिला अलग से, जो कि गेस्ट वगैरह के आने के लिए कोई फैमिली मेंबर हो वो रुक सके। ग्लूकोज चढ़ा दिया, और ग्लूकोज में इंजेक्शन भी लगा दिया अराउंड 11:30। तो फिर उसके बाद लकी को पेन स्टार्ट होने लग गया, और जितना जितना टाइम गुजरा उतना ज़्यादा पेन स्टार्ट हो गया लकी को। एक टाइम ऐसा आ गया था कि लकी से पेन कंट्रोल नहीं हो रहा था। उस टाइम वापस हमें डॉक्टर को बुलाया, और डॉक्टर ने आके चेक किया और उसको OT में लेके चले गए। ये वो सिचुएशन थी जब लकी से पेन कंट्रोल नहीं हो रहा था, और उसको OT में लेके चले गए। और जब टाइम था अराउंड 3:20, और उसके 15 मिनट में मम्मी को कार्ती के दे दिया कि 10 मिनट में आई थिंक डिलीवरी हो गई थी। और फिर हम कार्ती को लेके ऊपर रूम में आ गए। लकी तब तक ऊपर नहीं आई थी, बिकॉज उसको थोड़ा टाइम लगा, 1 से 1.5 घंटा डॉक्टर ने लिया। उसके बाद लकी को लेके आई, क्योंकि मम्मी को फिर लकी की बहुत ज़्यादा चिंता थी। और जिस टाइम पर लकी ऊपर आए, लकी की आँखों में खुशी के आंसू थे। वो एक अलग ही मोमेंट था, मतलब मदर के लिए आई वॉज स्पीचलेस, बट खुशी भी बहुत हो रही थी वो मोमेंट देख के। और हमें डॉक्टर ने बोला था कि कार्तिक को हर एक हर घर में दूध पिलाना है, और ये दूध कोई तो नन प्रो नाम से दूध था, मतलब उसको पानी में मिला के और कार्तिक को पिलाना था। तो हम 4 घंटे उसको दे रहे थे, बिकॉज बोला गया था कि पहले 22 घंटे में हर एक घंटे में थोड़ा थोड़ा दूध इसको देना है। तो इसीलिए हम कि मेरी मम्मी कार्तिक को दूध पिला रही थी। कार्तिक की क्या आदत थी कि वो दूध पीता पीता सो जा रहा था। हर एक घंटे में हमें उठा के कार्तिक को दूध पिलाना पड़ रहा था, और वो दूध पीते पीते सो जा रहा था। एंड मम्मी वाज सो एक्साइटेड कि भाई घर में नया मेहमान आया है, एक न्यू जनरेशन आई है। मम्मी तो बहुत टाइम से बहुत ईगरली वेट कर रही थी, तो मम्मी का एक तरह से सपना पूरा हो गया था। तो इसीलिए सबसे एक्साइटेड मम्मी ही थी, और बस उसको देख ही रही थी, उसको संभाल रही थी, उसको दूध पिला रही थी। फिर जैसे ही सुबह हुई,
कार्तिक की मामा और कार्तिक की नानी आ गई खाना लेके खिलाने के लिए। वैसे उसके मामा रात को ही आ गए थे 11 बजे। खुशी अलग ही होती है एक न्यू जनरेशन और न्यू बेबी घर में आने का। कार्तिक से पहले कार्तिक की मम्मी की जो दो बड़ी बहनें हैं उनको एक एक बेबी है, तो उनको हमारी जनरेशन में फर्स्ट बेबी है, तो सभी को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी। तो फिर उसके बाद उसके मामा जी कार्तिक को खिला रहे थे, तो कार्तिक वो सो हैप्पी एंड वो खेल के और सो जाना, मतलब बहुत कम ऐसा कि उसको रोना, मतलब पहले दिन तो मैंने उसका रोना ही नहीं सुना। उसकी आवाज़ ज़रूर आ रही थी बट ही वॉज नॉट क्राइंग। इसमें नहीं हुई, इसमें गाल के लिए आओ बालक ने। यो सिर्फ नहीं हो रहा, धर्म है लेकर ही मैं इसको बस बोल रहा है कि लालम कर रहा है। इसमें पानी का जो से बच्चे को उठा कर से दे रहा हूं मैं, बता रहे हैं कि लकी बहुत ज़्यादा खुश थी। मतलब उसकी ऐसी सिचुएशन थी कि वो अपनी खुशी बता भी नहीं सकती। और कार्तिक उस वक्त सो रहा था क्योंकि वो बहुत जल्दी सो जा रहा, दूध पी रहा था और सो रहा था, और उसको वापस उठा के मम्मी दूध पिला रही थी। हे गाइस, बेबी डिलीवरी हो गई है। कल से आज तक बहुत कॉल कर चुके हैं, बहुतों की कॉल आ चुके हैं, सब फैमिली मेम्बर आके मिल चुके हैं। मैंने अभी तक बेबी को टच भी नहीं किया, मतलब कि मेरी हिम्मत नहीं हो रही बिकॉज मेरी तबीयत ठीक नहीं, और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से हमारा बेबी बीमार हो। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि जितना डिस्टेंस मैं रख सकूँ उतना रख रहा हूँ। होपफुली आज डिस्चार्ज हो जाएंगे मदर एंड बेबी दोनों, और वो दोनों हेल्दी हैं तो घर पे जाएंगे, तब जाके थोड़ा सा चैन आएगा। और शायद मैं अभी आने वाले 5-6 दिन तक और बेबी को सिर्फ दूर से ही देख सकूँ, बिकॉज़ आई डोंट नो इफ दिस ना क्या होता है। लकी को डिस्चार्ज कर दिए गए हैं और आपने अभी सारा सामान पैक कर लिया है, जैसे पर देख रहे हैं कुछ रह ना गया है वो। अभी थोड़ी देर में हम डिस्चार्ज होके घर पे जाएगी लकी, और अब हम घर पे जा रहे हैं। और आज के दिन बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, मतलब बहुत ज़्यादा, सुबह से लेकर शाम तक बारिश हो रही थी। हमारा घर हॉस्पिटल से अराउंड 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, बट उस दिन वो डिस्टेंस कुछ ज़्यादा ही लग रहा था। और जब तक मैं घर पे नहीं पहुंच गया, बस यही था कि भाई कितना जल्दी हम घर पे पहुँचे, और बारिश की वजह से हम और स्लो जा रहे थे। तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं घर पहुँच के। अभी नहाया हूँ, नहा के मैं चाय पी अपने रूम में आ गया। लकी और बेबी अंदर वाले रूम में शिफ्ट हो गए हैं, जो कि अभी 1-1.5 महीना वहीं रहेंगे। जब मेरी तबीयत ठीक हुई तब मैं उनसे जाके मिलूँगा, टिल द टाइम आई एम नॉट गोइंग देयर। अब मैं अपने रूम में हूँ तो इसलिए मैं मास्क वगैरह यूज करूँ। अगर मैं बीमार नहीं होता तो डेफिनेटली मैं जाता और बेबी से मिलता, बेबी के साथ खेलता, बट ठीक है, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। तो लेट्स हैव प्रिकॉशंस, 5-7 दिन बाद खेलेंगे। लिटली वेट वेट, आई डोंट नो मतलब कैसे टाइम निकलेगा। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी, थैंक यू सो मच, एंड होप आपको वीडियो पसंद आए। अगर जो भी कुछ कमियाँ हों प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट्स, सो आई कैन वर्क ऑन दैट ऑन नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू सो मच, बाय। फाइनली रिपोर्ट नेगेटिव आ गई गाइस, मैं हॉस्पिटल में हूँ अभी जस्ट चेक करवा। इससे पहले जो 2 टेस्ट करवाए थे, मतलब 1-2 हफ्ता पहले और 1 हफ्ता पहले, दोनों पॉजिटिव आया था, बट इस रिपोर्ट में नेगेटिव आया फाइनली, थैंक गॉड। अब मैं घर जाके अपने बच्चे के साथ खेल सकता हूँ फाइनली। अभी तक
मुझे दूर ही रहना पड़ रहा था, मैं उसको टच भी नहीं कर सकता था। 5 दिन हो गए, ठीक है सभी जाते हैं घर पे और आज खूब खेलूँगा। जब वो सो के उठ जाएगा तो निकलते हैं PGI से और मिलते हैं घर पे। मैं चख लूँगा। देख 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 देख। क्योंकि अभी तू वेतन चाचू याद कर ली छे, चाचू याद कर लिए तेने, चाचू याद कर लिए। सोनिया पर आई।